नाजरीन ग्रामी, दुनिया में बहुत से ख़तरनाक खेल खेले जाते हैं। इन खेलों में अक्सर खिलाड़ियों को ख़तरनाक चोटें भी लगती हैं और कई खिलाड़ी किसी ख़तरनाक चोट की वजह से वफात भी पा जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 खतरनाक खेलों के बारे बताएंगे। वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। नंबर 1, रेसलिंग। नाजरीन, रेसलिंग सिर्फ एक शो ही नहीं बल्कि इस खेल में मुसलसल चोटों की वजह से मुतअद्दिद पहलवानों को दिमागी चोटें भी लगी हैं। कैनेडियन पहलवान क्रिस बेनवाट ने 40 बरस की उम्र में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। डॉक्टरों के मुताबिक 40 बरस की उम्र में इनका दिमाग अल्जाइमर के 85 साल मरीज की तरह हो चुका था। नंबर 2, बॉक्सिंग। नाजरीन, ज्यादा दबाव वाले खेल खेलने से दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी को डॉक्टर बॉक्सर सिंड्रोम कहते हैं। इस नाम का मतलब ये है कि सर को मुस्तकिल झटके लगने की वजह से दिमाग का मुतासिर होना। सबसे पहले ये बीमारी एक बॉक्सर में पाई गई थी, इसी वजह से इसका नाम बॉक्सिंग रखा गया। नंबर 3, अमरीकी फुटबॉल। नाजरीन ग्रामी, बॉक्सर सिंड्रोम बीमारी सिर्फ बॉक्सर ही को नहीं होती, खास तौर पर यह अमरीकी फुटबॉल के खिलाड़ियों में भी पाई जाती है। एक तहकीक के मुताबिक नेशनल फुटबॉल लीग के खिलाड़ियों के दिमाग को एक सीजन के दौरान 600 से ज्यादा झटके लगते हैं। यहाँ तक के खिलाड़ियों के हेलमेट भी दिमाग को मुतासिर होने से महफूज नहीं रख सकते। नेशनल फुटबॉल लीग पहले तो कई बरसों तक इस बात की तरदीद करती रही, अब आकर चंद कवानीन तब्दील किए गए हैं ताकि दिमाग को कम से कम झटके लगे। नंबर 4, आइस हॉकी। नाजरीन, अगर आप अपने दिमाग को महफूज रखना चाहते हैं तो फिर आप आइस हॉकी खेलने से भी परहेज करें। आइस हॉकी के खिलाड़ियों में भी बॉक्सर सिंड्रोम जैसी बीमारी पाई जाती है। नाजरीन ग्रामी, याद रखिए, तसादुम जानबूझकर हो या हादसे के तौर पर, हकीकत ये है कि मुसलसल झटकों से दिमाग में खतरनाक किस्म की प्रोटीन्स की तादाद और मकदार में इजाफा शुरू हो जाता है। नंबर 5, फुटबॉल। नाजरीन ग्रामी, ये बात लोगों को मजाका खेज लगती है लेकिन हकीकत यही है कि कई फुटबॉल खिलाड़ी भी सिंड्रोम जैसी मर्ज में मुबतला है और इसकी वजह से मुसलसल हेड स्ट्रोक है। फुटबॉल में सर को लगने वाले झटके इतने ज्यादा खतरनाक तो नहीं होते जितने अमरीकी फुटबॉल या फिर आइस हॉकी में लगने वाले झटके खतरनाक होते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।